पीएम मोदी ने सांसदों और विधायकों से बात की। सांसद के सवाल पर पीएम ने कहा, गरीब आदमी बैंक का लोन लेकर भागता नहीं। पीएम मोदी ने सांसदों विधायकों से बातचीत में कहा, जिन सांसद के 3 लाख ट्विटर फॉलोअर हैं उनके इलाके में लोगों से कभी भी बात करने को तैयार। पीएम ने अहमदाबाद के सांसद के सवाल पर कहा, गांव की शक्ति पर भरोसा करें, समाज में तनाव कम तो विकास ज्यादा होगा। पीएम मोदी ने कहा, अन्ना हजारे ने गांव को उत्तम बनाया, ऐसी कोशिश से गांव का विकास होता है। पीएम ने अहमदाबाद के सांसद के सवाल पर कहा, गांव के संगठन में शक्ति है, इसे विकास के काम में लगाए। पीएम ने सांसद के सवाल पर कहा, किसानों के लिए हो रहे काम को जनप्रतिनिधि प्रचार करें। पीएम ने विधायक के सवाल पर कहा, कौशल विकास पर ध्यान देने की जरूरत, छोटे छोटे गांव में मोबाइल ब्यूटी पार्लर खुले। आजीविका के सवाल पर पीएम मोदी का जवाब, कहा रोजगार का रंग रूप बदल रहा है, लोगों को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की जरूरत। गाजियाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, कहा 2019 के चुनाव हमारे लिए अहम। कार्यकर्ताओं से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, चुनाव जीतना एक मंजिल है, लक्ष्य नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, सरहद पर मोदी सरकार ने शहादत का नाम बदला। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल बताएं अब तक उनकी पार्टी ने क्या किया है। रेप पर नए कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। रेप पर नया कानून आज से देश भर में लागू, केंद्रीय कैबिनेट ने कल अध्यादेश जारी किया था। पॉस्को एक्ट की मंजूरी पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आरोपियों के खिलाफ ऐसी सजा की जरूरत। रेप पर नए कानून पर सीएम शिवराज सिंह बोले, बेटियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पॉस्को एक्ट पर निर्भया की मां ने कहा, सरकार का अच्छा कदम है, सभी आरोपियों को मौत की सजा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की जुबान फिसली, कहा रेप की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, एक दो घटनाओं को तूल ना दे, सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को कैबिनेट का निर्देश, यौन अपराधियों के प्रोफाइल के साथ उनका डेटाबेस तैयार करने को कहा गया है। डेटा तैयार होने के बाद राज्यों को दिया जाएगा, पुलिस को जांच की निगरानी करने में मदद मिलेगी।